श्री दिलीप मलिक जी, पार्टी के मीडिया के प्रदेश के संयोजक प्रभारी श्री सुजीत कुमार दास जी, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृति पे कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम प्रेस वार्ता संबोधित करने आए हैं। आज पूरे देश में, अलग अलग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन कर रही है। हम सबको ज्ञात है किस प्रकार पश्चिम बंगाल के राजधानी में, कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय युवती की नृशंस हत्या, दुष्कर्म का विषय हम सबके समक्ष आया है। साथियों, हम सबको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी की सरकार है, ये सरकार 2021 में इन्होंने कहा था चुनाव में, खेला होबे की परिभाषा क्या होती है ये पश्चिम बंगाल ने भी देखा और पूरे देश ने भी देखा। खेला होबे के नाम पर लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी, कोई सामान्य कार्यकर्ता की बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी शाहजहां के संरक्षण में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, हत्याएं होती है, नरसंहार होता है और सब शांत रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं, ये इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आप हाथरस जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले क्षेत्र में? यदि ऐसा दुष्कर्म होता है तो राजनीतिक अवसरवादिता का एक उदाहरण पेश करते हैं ये लोग। आप कहती हैं कि बांग्लादेश की परिस्थितियां उत्पन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दीदी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उस पीड़िता के परिवार को, पश्चिम बंगाल की सामान्य जनता को, आम लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, ये सब बोल करके, निराधार बेबुनियाद बातें बोल करके डराने का काम मत करिए। हम पुनः कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता उस पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सुनिश्चित करेंगे हर कीमत पे, चाहे जो हो, हम उस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ये भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि आगे भविष्य में पश्चिम बंगाल क्या, भारत के किसी भी हमारी बहन और बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसा कुकृत्य करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आपके माध्यम से उड़ीसा, पूरे देश में ये आंदोलन और मजबूत हो रहा है और पूरे देश में जो पश्चिम बंगाल की सरकार के एक्सपोज होने के साथ साथ तमाम जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, आपके आंखों में पानी नहीं है, आपके मुंह में एक शब्द नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। आप सब यहां आए
और हमारी सहायता की। ये बात, ये बहुत संवेदनशील मामला है, हम सब पूरे सेंसिटिविटी के साथ, पूरे मजबूती के साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोलकाता हाई कोर्ट और सीबीआई को जल्द से जल्द न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, प्रॉम्प्ट जस्टिस हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।